प्रेगनेंसी में किस तरह आपके बेबी का विकास होता है, कैसे आपका बेबी एक छोटे से सेल से फुली ग्रोन बेबी में डेवलप होता है और हर महीने बेबी में क्या चेंजेस होते रहते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। 4B की प्रेगनेंसी एक छोटे से सरसों के दाने के बराबर होती है, जिसे अल्ट्रासाउंड में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से कंफर्म किया जा सकता है। जब हम TVS करते हैं तो ये 4B का गेस्टेशनल सैक छोटा सा एक ब्लैक रिंग जैसा दिखाई देता है, जिसके अंदर योक सैक बनना स्टार्ट हो जाता है। 5 वीक्स पे इस सैक के अंदर एक छोटा सा इकोजेनिक रिंग दिखाई देता है, जिसे योक सैक कहते हैं। एक बार योक सैक दिखाई देता है तो प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है। 6 वीक पे बेबी के चारों तरफ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। प्लेसेंटा ही वह पार्ट है जिसके थ्रू बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि प्लेसेंटा से अम्लाइकल कार्ड निकलती है जो बेबी को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है। 6.5 वीक्स पे यानी 1.5 महीने पे बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है और डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड मशीन पे इसको सुनवा देते हैं। बच्चे की दिल की धड़कन 110 से 190 बीट पर मिनट हो सकती है और इसको M मोड पे टेस्ट कर लिया जाता है। 7 वीक पे बच्चे का एम्ब्रियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और इसमें 2 पोल, अपर पोल और लोअर पोल बन जाते हैं। अपर पोल और लोअर पोल के बीच में जो लेंथ होती है उसे CRL क्राउन रम्प लेंथ बोलते हैं। समय बेबी का सिर बॉडी के कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा होता है। 8 वीक्स यानी 2 महीने पे बच्चा आधा इंच लंबा होता है और इसका वजन 2 से 3 ग्राम के करीब होता है। इस समय बच्चे की हाथों की और पैरों की उंगलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बच्चे की स्पाइनल कार्ड या मेरू बनने लगती है। 9वें हफ्ते में आपका बेबी एक राजमा के दाने के बराबर होता है, उसके हाथ और पैर बनना शुरू हो जाते हैं। 10 वीक्स यानी 2.5 महीने पे आपका शिशु लगभग 1 इंच लंबा होता है, उसका वेट 4 से 5 ग्राम के करीब हो सकता है, उसके हाथ और पैर लंबे होने लगते हैं और फिंगर्स और टोज डिफाइंड होने लगते हैं। 11 वीक्स पे शिशु की नाक की हड्डी बन जाती है, उसके होंठ और नाक बनना शुरू हो जाते हैं और फेस क्लियरली दिखाई देने लगता है, हाथ और पैर स्पष्ट तरीके से दिखाई देने लगते हैं। 3 महीने पे बेबी का स्कल बन जाता है और उसके अंदर ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर बन जाते हैं। 13 वीक्स पे बच्चे का नर्वस सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। बच्चा इस समय 3 इंच लंबा होता है और बच्चा पेट में घूमना स्टार्ट कर देता है। बच्चे की किडनी काम करना शुरू कर देती है और बच्चा माँ के पेट के अंदर यूरिन पास करना शुरू कर देता है। 4 महीने में बच्चे का सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है, बच्चे का हार्ट ब्लड पंप करना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ यूरिनरी सिस्टम भी डेवलप हो जाता है। बच्चे की किडनी काम करना शुरू कर देती है और बच्चा गर्भ में यूरिन पास करता है। 4th महीने में बेबी फ्लिप कर सकता है और अपनी फिंगर्स को मुंह के अंदर ले जा सकता है। इस समय बेबी का वजन 70 ग्राम के करीब होता है और उसकी हाइट 4.5 इंच लंबा होता है। माँ को बच्चे के मूवमेंट फील होते हैं, जिसे क्यूकिनिंग कहते हैं। 16 वीक्स पे बच्चे की आंतें बन जाती हैं और बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, बच्चा उस पानी को पीना शुरू कर देता है और इस पानी को बेबी यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। इस तरह से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल मेंटेन रहता है और बच्चा इसी पानी में सर्वाइव कर पाता है। इस समय बच्चे के फेफड़े विकसित होने लगते हैं और धीरे धीरे फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वीक्स में बच्चा बाहर की आवाज़ें और तरंग को सुन सकता है और महसूस कर सकता है, इसलिए शायद कहा जाता है कि बच्चा पेट से ही सीख के आया है। 19 वीक्स पे बच्चा करीब 5 इंच लंबा होता है और उसका वजन लगभग 200 ग्राम के करीब होता है। बच्चे की हड्डियाँ जो पहले अभी तक सॉफ्ट थी, वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, मतलब बोन में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। 19 वीक्स तक बच्चे के पूरे ऑर्गन्स पूरी तरह से बन जाते हैं। इसके बाद बच्चा केवल साइज में धीरे धीरे ग्रो करता है। के बाल, नाखून और आईब्रो बन जाती हैं। 20 वीक्स तक बच्चे की जर्नी आधी हो जाती है, जो टोटल ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का होता है। जो प्रेगनेंसी का 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है, उसमें बच्चा 20 वीक्स तक कम्प्लीट कर चुका होता है। बच्चे का दिमाग का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो जाता है और बच्चे के ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्ड बन जाते हैं, जिसे सलकाई और गहराई कहते हैं। 2 वीक्स पे बच्चा करीब 7 इंच लंबा होता है और उसका वजन रफली 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब होता है।
23 वीक्स पे बच्चे के पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे मुलायम बाल आ जाते हैं और इस समय बच्चा 11 इंच लॉन्ग होता है और उसका वजन रफली 600 ग्राम के करीब होता है। कि फेफड़े पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं और इस समय बच्चा माँ के बाहर सर्वाइव कर सकता है। बच्चे के शरीर में WBC यानी फाइटिंग सेल्स बन जाती हैं जो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। आँखें बन जाती हैं और वो ब्राइट लाइट को नोटिस कर सकता है। बच्चे का ब्रेन, लंग्स पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। इस समय बच्चा 14 इंच लंबा होता है और उसका वजन करीब 900 ग्राम होता है। 27 वीक के बाद बच्चा साइज और वेट में बढ़ने लगता है। 8वें महीने में बेबी का ब्रेन साइज में बढ़ने लगता है और ब्रेन के अंदर बहुत सारे फोल्ड बन जाते हैं। इस समय बच्चे की लंबाई करीब 13 इंच और उसका वजन 1500 ग्राम यानी 1.5 किलो के करीब हो जाता है। 34 वीक्स पे बेबी की स्कल फॉर्म और राउंडेड हो जाती है। 34 वीक्स पे आपका बेबी 15 इंच के करीब लंबा हो सकता है और उसका वजन 2 से 2.5 किलो के बीच में हो सकता है। 35 से 37 वीक्स के बीच में बेबी की मसल टोन बढ़ जाती है और बेबी अपना सिर और हाथ पैर इधर उधर कर सकता है। 36 वीक तक बेबी लगातार पेट में घूमता रहता है, कभी सीधा हो जाता है, हेड डाउन हो जाता है तो इस कंडीशन को सिफेलिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। कभी हेड ऊपर की तरफ होता है तो इसे ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं और कभी बच्चा आड़ा रह जाता है तो इसे ट्रांसवर लाई कहते हैं। लेकिन 36 वीक में बेबी का हेड पेल्विक हड्डी में फिक्स हो जाता है, इसके बाद बच्चा घूम नहीं सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी सिफेलिक प्रेजेंटेशन यानी हेड डाउन पोजिशन में होता है। इस समय तक बेबी जन्म के लिए तैयार हो जाता है और खुली हवा में सांस लेना चाहता है। वेलकम टू दिस न्यू वर्ल्ड बेबी।